इस बार जरा आराम से खेलना बेटा, जल्दी मत तोड़ देना, इसे समझ गए ना? ठीक है। गए तो हर बार देते हो। एक्शन बूस्टर को तैयार कर लिया गया है। एनर्जी चार्ज स्टार। 40%। बहुत बढ़िया। 60%। 80%। एनर्जी चार्ज 100%। ये सेट हो गया, क्या तुम तैयार हो? एक्शन। डैड प्लीज इसे जल्दी से फेंक दीजिए। ऐसा क्यों कहते हो बेटा? माना कि मेरे पैर थोड़े से बदबूदार हैं, लेकिन मेरे नाखूनों में से थोड़ा ही बदबू आती है जरा भी। इंजन आउटपुट अप। एक्शन बूस्टर चलाओ। एक्शन चलाओ। अरे एक्शन कमीन, तुम ठीक तो हो ना? शिनचान। ये कैसी आवाज थी? हाँ, ये क्या हुआ? वो बात ये है मॉम, डैड मेरे एक्शन कमीन पर गिर गए थे, उसे चोट आई है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा पैर बस थोड़ा टेबल से टकरा गया था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है मुझे मिस्सी। जी हाँ, ये देखिए, क्या आपको आपकी हड्डी में क्रैक नजर आ रहा है? जी हाँ, फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर करना पड़ेगा। अरे क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। डैड आपका पेट तो इजिप्ट की मम्मी जैसा है, आपको इस प्लास्टर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आराम से। डॉक्टर आप हमें सच सच बताइए, ये पैर ठीक तो हो जाएगा ना? सच कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता। आप ये क्या कह रहे हैं? आपका मतलब है ये उड़ नहीं पाएगा? लाओ। कोशिश करते हैं, शायद ये काम कर जाए। ये लो, इसका ख्याल रखना। ये तो कमाल है। एक्शन ब्लास्टर। बेटा ब्लास्टर नहीं होता, प्लास्टर होता है। आगे से गलत मत बोलना। डैड अब तो आप ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं ना? बहुत काम है बेटा, नहीं ले सकता। शिनचान चलो शॉपिंग करनी है, और तुम जरा घर का ख्याल रखना। ठीक है। क्या आपको यकीन है आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं? नहीं है बेटा। आप चाहेंगे तो मैं घर में आपके साथ रुक सकता हूँ। नहीं शिनचान, तुम मेरे साथ मत रुको बेटा, जाओ। बाय बाय, मैं चलती हूँ। बाय बाय। चलो चले गए, अब मैं क्रच के साथ प्रैक्टिस कर लूंगा थोड़ी। ओ, पहले टॉयलेट हो आता हूँ, इससे टॉयलेट जाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो किसी तरह क्रच के साथ टॉयलेट में आ तो गया। टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है, ये मिस्सी भी ध्यान नहीं रखती है, अब क्या करूंगा मैं? पता नहीं कहाँ रखा होगा मिस्सी ने टॉयलेट पेपर, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं है, कहाँ गया टॉयलेट पेपर? अरे टॉयलेट पेपर कहाँ है? ढूंढ कर रहूंगा आज मैं टॉयलेट पेपर, पर पता नहीं कितनी देर में मिलेगा। मुझे लगता था यहाँ होगा टॉयलेट पेपर, यहाँ भी नहीं है। क्यों करती है मिस्सी इस तरह के काम? क्या बात है डैड? तुम अभी ये बात नहीं समझोगे बेटा। तुम कैसे आ गए यहाँ पर? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी डैड, तुम्हें आपका ख्याल रखने वापस आ गया। शिनचान बेटा, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, पर सच बोलो वापस क्यों आ गए हो? और मैं चाहता था कि एक्शन कामीन का जो प्रोग्राम है वो आप ले रिकॉर्ड कर लूं। पता था कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा जरा सुनो, मेरे कंधे पर खड़े हो जाओ बेटा। कंधे पर चढ़ कर जरा मेरी मदद कर दो बेटा। हाँ हाँ जरूर, मैं आपकी मदद करूँगा। चलो देखती हैं, थोड़ा लेफ्ट की तरफ लीजिए ना। चलो देखें। बेटा मुझे नहीं पता इसमें से क्या कुछ निकलेगा, जरा बताते रहना पहले। अच्छा ये बताइए, आप आखिर ढूंढ क्या रहे हैं? टॉयलेट पेपर। वो तो उस तरफ रखा है। वहाँ पर मैंने अब तक नहीं देखा था, शायद वहीं मिल जाए। आगे चलिए थोड़ा और आगे उस तरफ। अच्छा ठीक है, रुक जाइए यहीं पर।
सुनिए डैड, जरा अपनी बैसाखी दीजिए ना। तुम्हारा मतलब खर्च, पर क्या करोगे उसका? जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, ये लो थोड़ा और ऊपर उस तरफ, ये लो जरा मुझे दीजिए। अब करते हैं, अरे मेरे प्यारे एक्शन कामिन, मैंने तुम्हें कितना याद किया। अरे टॉयलेट पेपर कहाँ है? आपका स्वागत है एक्शन कामिन की दुनिया में। अब ये है हमारा बहादुर और निडर हीरो जो गलती से एसी के ऊपर अटक गया था। डैड, हमें एक्शन कामिन को बचाना होगा। नहीं शिनचैन, अभी ये सब नहीं करना। अभी मेरे पास इस सब का वक्त नहीं है बेटा, मुझे टॉयलेट पेपर ढूंढना है। टॉयलेट पेपर, टॉयलेट पेपर, अरे ये सब क्या पड़ा है, हटाना पड़ेगा मुझे ये सब। घर में कोई है? आपकी डिलीवरी आ गई है। अरे डिलीवरी को भी अभी आना था। शिनचैन बेटा, डैड मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्या मैं आपसे बाद में बात करूँ प्लीज? बाद में बात नहीं करनी मुझे, अभी बताओ टॉयलेट पेपर कहाँ पर है? ये हाथ में क्या है तुम्हारे? वो मैंने सोचा कि खाने के बाद ढूंढ कर दे दूंगा। बेटा पहले ढूंढना चाहिए ना तुम्हें। डिलीवरी ले लीजिए, पहले जाकर डिलीवरी लो, जल्दी जाओ। हाँ जी बताइए। टॉयलेट का रास्ता अब साफ है। उन्हें पैसे चाहिए। अरे पैसे भी इसी वक्त देने पड़ेंगे क्या? ये मॉम के लिए है। दादा ठीक तो है ना? सुनिए डैड। बोलो बेटा। हम खाना खाने के बाद एक्शन कामिन को एसी पर से निकाल लेंगे ना। चुपचाप खाना खाओ।